आउज़ बिल्लाहि मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अर्जुमंद उस्मान है। आज के इस वीडियो में आपको गौहर पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम गौहर स्किल अप सीरीज उर्दू जमात दोम का सबक नंबर 6 पर मौजूद अनवान अपनी हिफाजत के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, सबक पढ़ने से पहले आपसे चंद सवालात पूछूंगी। आप अपनी हिफाजत कैसे करते हैं? कौन बच्चा बताएगा? जी हाँ, बाहर जब भी जाएं किसी अजनबी शख्स से ना तो कोई चीज लेकर खाएं और ना ही पिएं, और अगर कोई आपको जबरदस्ती खिलाना चाहे या ऐसा करना चाहे तो फौरन से पहले पास मौजूद अपने किसी भी बड़े को बताएं। खास अल्फाज पढ़ते हैं, इकट्ठा, फासले, तसल्ली, अजनबी, फैसला, नुकसान। साद और खालिद एक ही मोहल्ले में रहते थे, दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। साद दूसरी जमात में था, खालिद पांचवी जमात में पढ़ता था। दोनों इकट्ठे स्कूल आते जाते थे। स्कूल थोड़े फासले पर था, इसलिए दोनों पैदल आते जाते। वो घर से सीधे स्कूल और स्कूल से सीधे घर आते। मई के महीने की बात है, सख्त गर्मी पड़ रही थी। आज साथ अपनी पानी की बोतल घर भूल आया था। उसे सख्त प्यास लग रही थी। उसने खालिद से पूछा, भाई कहीं से पानी मिल सकता है? खालिद ने इसे तसल्ली देते हुए कहा, थोड़ा सब्र करो, घर पहुंचकर पी लेना। लेकिन साथ से सब्र नहीं हो रहा था। इतने में उन्हें एक रेड़ी वाला नजर आया जो ठंडी लस्सी बेच रहा था। साथ का दिल चाहा कि लस्सी पिए, मगर इसके पास तो पैसे ही नहीं थे। वो रेड़ी वाले के पास अभी खड़े ही थे कि उन्हें एक आदमी रेड़ी की तरफ आता हुआ दिखाई दिया। साद और खालिद चलने ही लगे थे कि इस आदमी ने कहा, आओ मैं तुम्हें लस्सी पिलाता हूँ। खालिद ने दिल में सोचा, ये तो कोई अजनबी आदमी है, ये पहले कभी हमारे इलाके में नजर नहीं आया। उसने टीवी पर सुना था कि ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, लेकिन साद को सख्त प्यास लगी थी। वो फौरन लस्सी पीना चाहता था। दोनों ने अभी कोई फैसला नहीं किया था कि अजनबी बोला, जल्दी से लस्सी पियो, फिर मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाने ले चलूंगा। खालिद को अब टीवी वाली सारी बातें सच नजर आने लगी थीं। उसने साद का हाथ पकड़ा और घर की तरफ चल पड़ा। थोड़ा आगे निकलकर उसने साद को बताया कि ऐसे अजनबी लोगों से कुछ नहीं लेना चाहिए, ना उनके साथ जाना चाहिए, ये नुकसान पहुंचाते हैं। अब साद भी बात को समझ गया था। उसने कहा, खालिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आज का आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अब मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।